अब थोड़ी चर्चा हम सुकरात के दर्शन के विषय में करते हैं। अरस्तु सुकरात को शाश्वत परिभाषाओं को उठाने में प्रथम व्यक्ति कहता है। सुकरात का यह विचार था कि सच्चे ज्ञान की खोज करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है और ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब स्वयं को जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रीक दार्शनिकों में सुकरात अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके आने के साथ ही ग्रीक दर्शन दो कालों में विभाजित हो जाता है, सुकरात से पूर्व का और सुकरात के बाद का। यद्यपि सुकरात ने कुछ भी लिखा नहीं है, किंतु उनका जीवन ही दर्शन था। प्लेटो के संवादों के माध्यम से हम सुकरात के दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम सुकरात के विचारों को प्लेटो के संवादों में कैसे ढूंढें? मुख्य विवाद का मुद्दा यही है कि कौन से विचार प्लेटो के अपने हैं तथा कौन से सुकरात के। अरस्तु कहते हैं, प्लेटो के प्रारंभिक संवादों में वर्णित दार्शनिक विचार सुकरात के ही हैं। प्लेटो का प्रमुख सिद्धांत प्रत्ययों का सिद्धांत है। अरस्तु का मत है कि प्रत्ययों पर विचार सुकरात ने किया था, प्लेटो ने उसी के आधार पर अपना दर्शन खड़ा किया। अरस्तु को स्वयं प्रत्ययों के सिद्धांतों में गहरी रुचि थी, क्योंकि वह करीब 17 वर्षों प्लेटो के सानिध्य में रहा था, अतः उसके विचारों में विश्वास करना उचित ही होगा। बर्नेट का मत है कि प्लेटो के प्रारंभिक संवादों यथा यूथा इफ्रन, एपोलॉजी, क्रीटो, फीडो, जिसमें सुकरात का जीवन चरित्र प्रमुखता से प्रस्तुत हुआ है, में निहित विचार सुकरात के ही हैं। इसके अतिरिक्त बाद के संवादों में भी विचार सुकरात के अपने हैं, यहाँ तक कि रिपब्लिकन नामक संवाद के, जो प्लेटो की महानतम कृति कही जाती है, में भी कुछ विचार सुकरात के हैं। खैर, यह एक विवादास्पद मामला है, अतः सत्यता जानना कठिन है। अब हम प्रत्यय अथवा परिभाषा पर विचार करते हैं। यह सिद्धांत आसान शब्दों में ऐसा है कि यह संपूर्ण दुनिया छाया मात्र है। जैसे मनुष्य जो इस धरती पर दिखाई पड़ते हैं, वे सिर्फ छायाएं हैं। इसके लिए एक ग्रीक मिथक कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको जंजीरों में बांधकर बचपन से ही तो उन्हें जब भी बाहर लाया जाता तो वे अपनी छायाएं देखकर उनको सत्य समझने लगते। जहां एक ओर सोफिस्ट संप्रदाय ने मनुष्य को दार्शनिक विवेचन का केंद्र बनाया, सुकरात इसमें उनसे सहमत था। वह नैतिक प्रश्नों को प्रमुख प्रश्न समझता था, परंतु जहां सोफिस्ट विचार सत्य को व्यक्ति की प्रतीति और भद्रता में देखना पसंद करते, वहीं सुकरात इन्हें वास्तविकता की नींव पर स्थापित करना चाहता था। ज्ञान के कई स्तर हैं। मैं घोड़े को देखता हूँ, उसका कद विशेष कद है, उसका रंग विशेष रंग है, उसकी विशेषताओं के कारण मैं उसे अन्य घोड़ों से पृथक करता हूँ। मेरा यह ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है और ज्ञान किसी विशेष पदार्थ का बोध है। जिस घोड़े को मैंने देखा, उसके ना मौजूद होने पर भी उसका चित्र मेरी मानसिक दृष्टि में आ जाता है। किसी विशेष घोड़े को देखने या उसका मानसिक चित्र बनाने के अतिरिक्त मेरे लिए यह भी संभव है कि मैं उस घोड़े का चिंतन करूं। ऐसे चिंतन में
किसी विशेष रंग का ध्यान नहीं करता, क्योंकि यह रंग सभी घोड़ों का रंग नहीं। मैं ऐसे विशेषणों का ध्यान करता हूँ जो सभी घोड़ों में पाए जाते हैं और सब के सब किसी अन्य पशु जाति में नहीं मिलते हैं। ऐसे चिंतन का उद्देश्य घोड़े का प्रत्यय निश्चित करना है। ऐसे प्रत्यय को शब्दों में व्यक्त करना घोड़े का लक्षण कहलाता है। सुकरात का प्रमुख कार्य प्रत्ययों का स्पष्टीकरण था। सदाचार क्या है, दूरदर्शिता क्या है, न्याय क्या है, इन विषयों पर ही वह लगातार बातचीत करता रहता था।